शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं। सिर्फ एक पत्थर की जरूरत होती है। कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत ज्यादा याद आता है, नहीं निकलता दिल से। अभी 4-5 महीने में लग गए सर सब दोबारा से रिबिल्ड करने में। देखिएगा जी, घबरा गए हम लोग, क्या देख पाए, हमसे चक्कर आगे देखिए। 2020 का दिल्ली दंगा कानून के नाम पर शहर जलाने का शायद पहला प्रयोग था। जिंदगी यहाँ भी नहीं रुकी, जिंदगी घूमते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उस वक्त के कई ऐसे निशान थे जो अब भी जिन निशानों को महसूस करते हैं लोग। आज 23 फरवरी 2021 है, दिल्ली दंगे की बरसी है, लेकिन हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, हम दिल्ली दंगे की बरसी मनाने नहीं, आपको जगाने आए हैं। ये उस वक्त इस इलाके का रेसिडेंशियल, जो लोग यहाँ पे रिहायशी इलाकों में रहते थे, उनकी पार्किंग थी, और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियाँ इन दोनों पार्किंग्स में खड़ी रहती थी, एक भी गाड़ी नहीं बची थी, एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। आपका जागना इसलिए जरूरी है क्योंकि दंगे का नया प्रयोग अब दंगाइयों के लिए आम बन चुका है। दिल्ली दंगा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में हुआ था। दिल्ली दंगे के 6 महीने बाद बेंगलुरु में भी दंगा फैला। NIA के मुताबिक बेंगलुरु में भी दंगे की बड़ी वजह CAA ही था, और अब से सिर्फ 1 महीने पहले 26 जनवरी 2021 को भी दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे की पृष्ठभूमि में फिर कानून ही था, कृषि कानून। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम दिल्ली दंगे की बरसी मनाने नहीं, आपको जगाने आए हैं, इसलिए आज देशहित में हम आपको न सिर्फ दंगा जीवियों के नए प्रयोगों के बारे में विस्तार से दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आप दंगा जीवियों को कैसे पहचाने, दंगा जीवियों से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं, दंगा जीवियों से अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखें। दंगों का पूर्वानुमान बताने वाला देशहित। सवाल ये कि हमने क्या सीखा दंगों से, दिल्ली में जो दंगे हुए, फिर बेंगलुरु, फिर लाल किला, हमने क्या सीखा, देश ने क्या सीखा, दंगों पर कब जागेगा देश। 1 साल पूरा हो चुका है, 23 तारीख है आज, 23 फरवरी, याद करिए, 23 फरवरी से 25 फरवरी तक 53 लोगों की मौत हुई थी, 755 मामले दर्ज हुए थे, 1800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बाद भी क्या, दंगे तो आगे भी हुए। आज ही के दिन दिल्ली में पूर्व नियोजित साजिश के तहत दंगे भड़के, और इस साजिश के तहत दिल्ली को नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर जला दिया गया, CAA के नाम पर। आज देशहित में हमने दिल्ली दंगों के सेंटर चांदबाग से ग्राउंड रिपोर्ट की। दंगों के 1 साल बाद जहां जहां दंगे हुए वहां स्थितियां बदल चुकी है, लेकिन विरोध और प्रदर्शन के नाम पर दंगों की साजिश लगातार हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगों से देश ने क्या सबक लिया है, दिल्ली दंगे कैसे देश को दंगों की साजिश से जगाने वाले थे, और दिल्ली दंगों की जो क्रोनोलॉजी थी ना, उसने कैसे सबको बता दिया कि अब देश में दंगों का पूर्वानुमान भी संभव है। जो लोग कह रहे थे ना कि ये अचानक से दंगा हुआ, ये पूरा प्लान्ड दंगा था। ये गली का एक बिल्कुल लास्ट वाला छोर है, आखिरी हिस्सा है, उसमें ये गाड़ियां आपको जली हुई दिख रही हैं। Thank you.
23 फरवरी 2020 की तारीख कभी मत भूलिएगा, जब दिल्ली में नागरिकता विरोधी प्रदर्शन के नाम पर दंगे, बर्बर हत्याओं और रक्तपात का दौर शुरू हुआ। 23 फरवरी 2020 की तारीख हमें ये याद दिलाने के लिए है कि कैसे प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली दंगों की प्रयोगशाला बनी और उसके बाद देश में बनने वाले कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली दंगा पहला प्रोजेक्ट था, पहला पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली दंगों के ठीक 201 दिन के बाद बेंगलुरु में दंगे भड़के। कहा गया कि एक धर्म के अपमान की वजह से ये दंगे हुए, लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि दंगों के स्क्रिप्ट नागरिकता कानून के विरोध के लिए लिखी गई थी, यानी धर्म तो एक बहाना था, दरअसल नागरिकता कानून के विरोध में बेंगलुरु को जलाना था। बेंगलुरु दंगे के 168 दिन बाद दिल्ली में एक बार फिर दंगे हुए और इसे कृषि कानून के विरोध का नाम दिया गया। 26 जनवरी को हुए कृषि कानून के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया, उसकी जांच में पाया गया कि ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। दिल्ली दंगे भारत के खिलाफ एक प्रयोग था। ये प्रयोग शाहीन बाग से धरने के नाम पर शुरू हुआ और दिल्ली दंगों पर खत्म हुआ। दिल्ली में आज ही के दिन जो इलाके साजिश के दंगों में जले, जहां लूटपाट हुई और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा गया, वो एक साल बाद ड्रोन से ऐसे दिखाई देते हैं। ये शिव विहार का डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल है, जिसे दंगाइयों ने जला दिया था। कभी ये स्कूल हुआ करते थे, यहाँ बच्चे पढ़ने आया करते थे। जेनसेट से लेके बच्चों की बैठने के लिए जो कुर्सियां, डेस्क लगे हुए थे, पंखे, ब्लैक बोर्ड, बाउंड्रीज, गाड़ियां, बैनर्स, स्कूल के बोर्ड्स, ये ब्लैक बोर्ड कभी सोच लीजिए, ये स्कूल हुआ करता था। यहाँ ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये तो अभी चूंकि नाला है, इसको अभी बंद कर दिया गया। इसमें जली हुई गाड़ियां थी, इसमें जला हुआ मलबा था। और स्कूल के गेट से जब हम अंदर दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त अंदर जाने के बाद जो स्कूल के अंदर जो क्लासरूम थे, क्लासरूम में चलने की जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पूरा टूटा फूटा हुआ हिस्सा था, जला हुआ हिस्सा था। स्कूल अब दोबारा 9 महीने लगे इसको दोबारा तैयार करने में। तो डेस्क अभी आप लोगों ने लगाया होगा, नीचे का जो पूरा हिस्सा था, यहाँ आप चल नहीं सकते थे क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ हिस्सा था, फर्श बिल्कुल खत्म हो गई थी। और ये शिव विहार का वो पार्किंग वाला इलाका है, जहाँ खड़ी गाड़ियां साजिश के दंगों में जला दी गई। आज वहाँ तस्वीर बदल चुकी है। मैं इस छत पे उस दिन था, मुझे याद है, मैं और अमन साथ में थे। और ये दो हिस्से आप देख रहे हैं, ये खाली जगह के, एक ये हिस्सा और एक आपको इस बाउंड्री के उस तरफ का हिस्सा दिख रहा है। ये उस वक्त इस इलाके का रेसिडेंशियल, जो लोग यहाँ पे रिहायशी इलाकों में रहते थे, उनकी पार्किंग थी। और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियाँ इन दोनों पार्किंग्स में खड़ी रहती थी, एक भी गाड़ी नहीं बची थी, एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। और जब हम यहाँ खड़े थे तो ये पूरा हिस्सा, और चूंकि अब इसको, अब इस पूरे हिस्से को बारात घर में बदल दिया गया है, यानी पार्किंग का एक हिस्सा ये और पार्किंग का एक हिस्सा बाउंड्री के उस तरफ, वो जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं उस तरफ खड़ी हैं, ये उस वक्त भी गाड़ियां वैसे ही खड़ी थी, लेकिन सब जली हुई गाड़ियां, 150 से 200। एक साल पहले इसी दुकान में दंगाइयों ने दिलबर नेगी की निर्दयता से हत्या कर दी थी। दिलबर नेगी के तलवार से हाथ पैर काटने के बाद उसे जिंदा आग में फेंक दिया गया था। ये जो जगह है, मेरे ख्याल से दिल्ली दंगों की सबसे भयावह कहानी किसी ने देखी थी। यहाँ पर हमें दिलबर नेगी के हाथ पैर काट के जलाया। ये वही गोडाउन है, ये वही गोडाउन है। और अभी मैंने इसको वेरीफाई भी किया, अमन आप यहाँ गए होंगे, एक मिठाई की दुकान। हाँ हाँ। और ये लाइन आप कहें तो मुझे याद आ रहा है, एक साल पहले जब अमन यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए थे, पूरे जेसीबी मशीनों से सफाई की जा रही थी। ये स्कूल का डीआरपी स्कूल। हाँ हाँ। और इस डीआरपी स्कूल के सामने, ये आप यहाँ गए होंगे, पार्किंग लॉट थी 180, अब वो बारात घर में चला गया, उसको बारात घर में कन्वर्ट कर दिया। खजूरी खास के इलाके में इस घर को पहचानिए, ये दंगों के माहिर ताहिर हुसैन का घर है, जहां पर दंगाइयों ने कई हत्याएं की। ताहिर हुसैन जेल में है। दिल्ली दंगों के समय आपने नेहरू विहार, खजूरी खास, इन जगहों का नाम सुना होगा, याद भी होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट था यहां पर सबसे ज्यादा था,
जब लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आया वो आज तक पटरी पर आने की कोशिशें कर रहे हैं वो लोग, वो जगह यही है। ये जगह है नेहरू विहार और सामने की तरफ है खजूरी खास। आपने एक नाम और सुना होगा इन दिल्ली दंगों में, ताहिर हुसैन का। वो बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, उस समय जी न्यूज़ एक साल पहले भी यहाँ मौजूद था, वो वीडियोज़ आपको दिखाए थे किस तरह से जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, जो पत्थरबाजी थी वो हो रही थी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम, पिंजड़ा तोड़ संगठन की देवांगना कलीता, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और गुलफिशा फातिमा समेत कई लोग इन दंगों के प्रमुख आरोपी हैं। नागरिकता कानून का विरोध करते करते ये सभी दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में जेल में हैं। अमित प्रकाश और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2020 में दिल्ली दंगों ने देश को बता दिया था कि भारत में कानून के विरोध में होने वाले दंगों का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। ये दंगों का फोकस्ट आप इसको कहिए, लेकिन देश ने दिल्ली दंगों से सबक लिया होता तो दिल्ली में एक साल बाद दूसरी बार दंगे नहीं होते। लाल किला दंगा, दिल्ली दंगा पार्ट टू, दिल्ली से भी बड़ा दंगा टूलकिट। आपको भी जानना चाहिए कि दिल्ली दंगों ने ऐसे क्या संकेत दिए जो 2021 के लाल किले दंगों में भी दिखाई दिए, मतलब उसी के एक्सटेंशन समझ लीजिए। तो दंगों का पूर्वानुमान लगाने के लिए आप भी जान लीजिए। देखिए, अब हो कहीं सड़क आपको नजर आए कि कुछ लोग बैठ गए हैं, सड़क ब्लॉक कर लिए, तो ये एक संकेत आप समझिए, ये दंगों के संकेत हैं पूर्वानुमान। कहीं सड़क बंधक हो जाए, आंदोलनकारी कहीं अड़ जाए किसी बात को लेकर, कहीं एजेंडा चलने लग जाए, सियासी एजेंडा चले, जनता को भड़काया जाए, देश विरोधी नारेबाजी हो, फेक न्यूज फैलाई जाए, ये सब टूलकिट का पार्ट होते हैं। कैसे कैसे विदेशों से फंडिंग होने लग जाए, पाकिस्तान और जो दुश्मन मुल्क है उनको बहुत इंटरेस्ट आ जाए, और आंदोलनकारियों से सहानुभूति होने लग जाए, हिंसक भीड़ इकट्ठी होने लगे, हिंसा का समर्थन होने लग जाए, तो मतलब आप समझ लीजिए कि अब दंगे होने वाले हैं। अब देखिए, जो लाल किला हिंसा के दौरान हुआ या दिल्ली दंगों के दौरान हुआ, वहां शाहीनबाग ब्लॉक किया गया, यहां सिंगू ब्लॉक किया गया, वहां पर मर्जा मोदी, यहां पर देश विरोधी नारेबाजी, तुलना वहां पर पुलिस पर, यहां पर पुलिस पर अटैक लाल किला हिंसा में, और वहां पर तो शाहीनबाग में तो फिर था ही है, पुलिस वालों पर ही अटैक था सबसे ज्यादा, सिमिलैरिटी होती है। तो दंगों का पूर्वानुमान मतलब हो सकता है। अब देखिए, सीए आया, दंगे हुए, कृषि कानून आया, दंगे हुए, कल को जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया आएगा तो कहीं दंगे ना हो जाए, कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं दंगे ना हो जाए, तो दंगों का पूर्वानुमान था ये। फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों के 201 दिन बाद यह बेंगलुरु की तस्वीर थी। बेंगलुरु जल रहा था। कहा गया कि ये दंगे इसलिए भड़के क्योंकि कांग्रेस के दलित विधायक के बेटे ने मुस्लिम विरोधी पोस्ट किया और पैगंबर का अपमान किया। लेकिन बेंगलुरु दंगों पर एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें नागरिकता कानून का जिक्र है। एनआईए की चार्जशीट से यह खुलासा हुआ है कि बेंगलुरु दंगे में धर्म का अपमान सिर्फ एक बहाना था। बेंगलुरु दंगों पर एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि दंगाई नागरिकता कानून यानी सीएए और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस यानी एनआरसी की वजह से नाराज थे। दंगों से पहले कट्टरपंथी संस्था पीएफआई ने सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काया और 11 अगस्त यानी जन्माष्टमी का दिन बेंगलुरु के दंगों के लिए चुना गया। इन दंगों के आरोपी फिरोज पाशा और मुजम्मिल पाशा पीएफआई की सियासी यूनिट एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं, जबकि नागरिकता कानून पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर धार्मिक टॉर्चर को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। इस कानून का मकसद 2014 से पहले आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देना है, और नागरिकता कानून पर देश में फिर दंगों की साजिश का खतरा इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री कह चुके हैं कि कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म होते ही देश में नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीए देश का कानून है, लेकिन देश का कानून है, पूरे देश भर में लागू हो। हमने 2018 में
बंगाल की जनता को और देश भर में बैठे हुए शरणार्थियों को ये वादा किया कि इसको हम पूरा करेंगे, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। बेंगलुरु दंगों में कर्नाटक क्राइम ब्रांच ने यह खुलासा भी किया था कि इन दंगों में कांग्रेस नेताओं का भी हाथ है और इन दंगों के आरोप में पूर्व महापौर संपत राज और अब्दुल रकीब जाकिर आरोपी बनाए गए थे। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए फिर से रिपीट करें, कृषि कानून आया दंगे हो गए, सीए आया दंगे हुए, कल को जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया कहीं दंगे ना हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं दंगे ना हो जाए, मतलब जब जब कानून तब तब दंगे होंगे क्या। आगे बढ़ते हैं बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोग दीदी कहकर बुलाते हैं, वो अपने समर्थकों की भी दीदी हैं और विरोधियों के लिए भी दीदी हैं, उनको हमेशा दीदी कहा जाता है, लेकिन आज उनका एक और रूप दिखा और वो रूप दीदी का नहीं दादी का है। जी हाँ, आज आपको ममता दादी की कहानी दिखाएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज के तीन अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। पहली बड़ी खबर ये कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर मुख्यमंत्री की ममता को लेकर है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से पूछताछ के लिए आज सुबह सीबीआई की टीम को आना था और सीबीआई से पहले ममता बनर्जी अपने भतीजे के घर पहुंची। अब वो बतौर सीएम पहुंची या बतौर बुआ पहुंची, 10 मिनट तक रुकी और अभिषेक की बेटी यानी कि अपनी पोती को लेकर वहां से चली गई। दूसरी बड़ी खबर, सीबीआई की टीम ने ममता बनर्जी की बहू रुजिरा नरूला बनर्जी से कोयला घोटाले के मामले में 1 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के घर पर हुई, 1 घंटे पूछताछ हुई है। कल मेनका गंभीर से हुई थी, रुजिरा की बहन से यानी कि अभिषेक बनर्जी की साली से कल हुई थी और आज उनकी पत्नी से। तीसरी बड़ी खबर, कोकीन मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता पामला गोस्वामी का नाम आने के बाद कोलकाता पुलिस की छापेमारी जारी है। कोकीन मामले में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की है। दिन में करीब 11:25 हो रहे थे। कोलकाता के हरीश मुखर्जी मार्ग पर 118A के शांति निकेतन बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में कैमरों के साथ मीडिया कर्मी और पुलिस मौजूद थी। इस आलीशान घर के बाहर चहल पहल और दिनों के मुकाबले तेज थी। सबको इंतजार सीबीआई की टीम का था, क्योंकि कोयला घोटाले मामले में सीबीआई टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला से पूछताछ करने वाली थी। लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी की गाड़ी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पहुंची। ममता गाड़ी से उतरी और सीधे अभिषेक बनर्जी के घर में दाखिल हो गई। आठ मिनट तक ममता बनर्जी घर में रुकी और बाहर निकली तो ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी की 8 वर्ष की बेटी थी। ममता को लोग अब तक दीदी कहकर पुकारते थे, लेकिन आज ममता में दादी का अवतार दिखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जानी जाती है और पहचानी जाती है दीदी के नाम से, लेकिन आज उनके कदम से उनकी अलग ही छवि सामने आई। दादी का जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटी निभाते हुए आज ममता बनर्जी दिखी। करीब करीब 11:25 को वो यहाँ पहुंचती अभिषेक बनर्जी के घर, जहां पर सीबीआई की टीम को पहुंचना था रुजिरा से पूछताछ करने के लिए। करीब 11:25 को उनका काफिला उनके घर के सामने यहाँ रुकता है। करीब 10 मिनट तक वो अंदर थी और 11:35 को वो यहाँ से निकलती है, लेकिन निकलते समय लोगों ने एक ऐसी छवि देखी जो शायद ही देखी होगी। अभिषेक बनर्जी की बेटी यानी कि ममता बनर्जी की पोती का हाथ पकड़ के वो बाहर निकली और पॉलिटिकल मैसेज देने के साथ ही साथ अपनी पोती को ये बताते हुए कि वो बिल्कुल भी न डरे और उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर लेकर आती है और उनको दिखाती है कि बाहर भीड़ भले ही है, भले ही जमावड़ा लगा हुआ हो, लेकिन उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी जो है वो उनके साथ ही नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है। नमस्कार, देश में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात करेंगे मेरठ के एक वायरल वीडियो की। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये वायरल वीडियो एक शादी समारोह का है, हम आपको ये वीडियो दिखाएं।
इस वीडियो की सत्यता के बारे में बताएं, उससे पहले हम ये चाहेंगे कि अगर आप अभी रात का खाना खाने जा रहे हैं तो 5 मिनट आप रुक जाएं, डिनर से पहले ये खबर आप जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा हो और आप सोच रहे हो कि जी न्यूज इस वीडियो को ऐसे समय में क्यों दिखाने जा रहा है। सच पूछिए तो हम भी ये वीडियो आपको दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछे तो कहीं उनके साथ भी तो ऐसी घटना नहीं घटी जब इस तरह के सवाल आए और पूछा गया कि कहीं उन्हें भी तो शादी पार्टी में थूक वाली रोटी तो नहीं खिला दी गई। हमने अपना फर्ज समझा कि हम आप तक इस खबर की ग्राउंड रिपोर्ट को पहुंचाएं, आपको पूरी बात विस्तार से बताएं। एक रिसोर्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा है, संगीत सुनाई दे रहा है और पास में ही मौजूद ये खानसामा तंदूर पर नान बना रहा है। 60 सेकंड के इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए। ये रसोईया नान बनाने से पहले उस पर थूकता है। ये वायरल वीडियो यूपी के मेरठ का है। इस कुक का नाम नौशाद उर्फ सुहेल है। इसने जो कृत्य किया उसने पूरे देश को चौंकाया। नौशाद फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन ये वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। उसके बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठे होंगे कि कहीं आप जिस शादी समारोह या कार्यक्रम में जाने वाले हैं वहाँ भी तो ऐसा घिनौना काम नहीं किया जा रहा है, कहीं वहाँ भी तो ऐसे थूक कर रोटी नहीं बनाई जा रही है, कहीं वहाँ भी तो नौशाद जैसे रसोइये नहीं हैं। इसका जवाब हम आपको आगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में देंगे। उससे पहले मेरठ के मेडिकल थाने में आरोपी नौशाद का झूठ सुनिए। मेरठ की पुलिस इस वीडियो की छानबीन कर रही है। आरोपी नौशाद के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अब सुनिए आगे की बात। जी न्यूज की टीम इस मामले की तह तक जाने के लिए मेरठ पहुंची। यहां छानबीन करने पर पता चला कि ये वीडियो मेरठ के अरोमा गार्डन और रिसोर्ट का है। ये वायरल वीडियो 16 फरवरी का है। ये जानने के बाद जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज सबसे पहले इसी अरोमा गार्डन पहुंचे। यहां देखिए, यहां पर जो है पूरा अरेंजमेंट लगाया जाता है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, जो गेस्ट आए होते हैं वो बैठते हैं। और जो इस तरफ है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत को कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं और मैं उस जगह को दिखाना चाहता हूँ। बलवंत, उस तरफ चलते हैं और उस जगह को दिखाते हैं कि जहाँ पर ये वीडियो बनाया गया था। तो यहाँ पर खाना जो है वो पूरा सर्व होता है, यहाँ पर कैटरिंग के लोग आते हैं। थोड़ी देर बाद अमित भारद्वाज उस जगह पर थे जहाँ ये वीडियो बनाया गया था। यहाँ से वो वीडियो बनवाया गया था, ये यहाँ से जिस शख्स ने वीडियो बनाया वो इस तरफ से वीडियो बनाया और यहाँ तंदूर लगा हुआ था। ये तंदूर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये तंदूर है, ये तंदूर मैं आपको दिखाऊंगा। बलवंत, आप इनको थोड़ा सा आगे से दिखाएं। तो ये तंदूर यहाँ पर लगे हुए थे, यहाँ तंदूर लगे हुए थे। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरफ शख्स खड़ा होगा जहाँ तंदूर है उसके बिल्कुल इस तरफ। तो यहां से जो है वो वीडियो बनाया गया। यहां जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज की मुलाकात रिसोर्ट के मालिक रमन रस्तोगी से भी हुई। रमन रस्तोगी वीडियो देखकर खुद आश्चर्यचकित थे। उसकी वो रोजी रोटी थी जो तंदूर था, उसी को वो अपवित्र कर रहा था। तो इस बात को हमें मतलब समझ नहीं आया कि वो क्या मंशा थी उसकी। हम देख सकते हैं वो जगह कहाँ था, कहाँ पर हुआ ये सब? सर, ये जगह तो यही की बात है, ये 16 तारीख की बात है जी। ये बात इतने पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना का न सिर्फ एक सामाजिक पहलू भी है, धार्मिक एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है, बल्कि कोरोना महामारी के दौरान मामला साफ सफाई का भी है। ये घटना हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से भी सीधे जुड़ी है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, मेरठ। जीत का मंत्र है स्वच्छता, साफ सफाई, लेकिन मेरठ में जो कुछ हुआ उसने सभी नियम तार तार कर दिए।
मेरठ में जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज ने इसके बाद यहां के मंडप एसोसिएशन से भी बात की और इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके व्यवसाय पर कैसे असर पड़ा है, कितना असर पड़ा है, ये जानने की कोशिश की। यहाँ की आम जनता से भी उन्होंने सवाल किया और यकीन मानिए मेरठ के लोग जो कुछ भी बोल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो देश की आवाज हूं कि थूक वाली ये रोटी देश हित में नहीं। हमारे देश में कहते हैं कि मेहमान भगवान की तरह होता है, अतिथि देवो भवा। लेकिन 16 फरवरी को मेरठ में कुक नौशाद ने एक शादी में उन्हीं मेहमानों को थूक वाली रोटी खिलाई। बात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। अच्छे खान पान को लेकर काफी सारी जो चीजें हैं वो समाज में हैं कि किस तरह से खाना चाहिए, कितनी सफाई रखनी चाहिए और इस पर सरकारें भी बहुत जोर लगा रही हैं कि किस तरह से साफ सुथरा खाना भी साफ सुथरा खाए। और जो मिक चला उसमें भी जो है काफी ज्यादा ध्यान रखा गया कि किसी मनुष्य को ना चले। मेरठ में नौशाद ने इसी कोरोना काल में हदें पार की, एक ऐसा घिनौना काम किया जिससे बीमारी फैल सकती थी। सवाल ये था कि इसके बाद आरोपी नौशाद पकड़ा कैसे गया। यह है मेरठ की सामाजिक कार्यकर्ता और वकील यशोदा यादव। यशोदा ने बताया कि ये वीडियो उन्होंने फेसबुक पर देखा था, उन्हें मेडिकल थाने से पता लगा कि ये तस्वीर मेरठ की ही है। इसके बाद उन्होंने शहर में कैटरिंग का काम करने वाले लोगों से बात की, आरोपी नौशाद के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद जाल बिछाकर नौशाद को गिरफ्तार कराया। शाशी नगर PVS के पीछे आई ब्लॉक है, वहाँ बुलाया और वो कुछ लोग थे वहाँ पर। तो जैसे ही हम अंदर घुसे हमने देखा कि हमने पूछा भाई तू था, वो बोला हाँ जी मैं था। मैंने कहा रोटी तंदूर पे तू बना रहा था, यूँ कहा हाँ जी। मैंने कहा उस दिन अरोमा गार्डन में, बोला हाँ जी मैं बना रहा था। तो एकदम से वो भागने लगा और मैंने उसको फिर मारा। गुस्सा आएगा, ज़रूर आएगा गुस्सा, क्योंकि हमारे धर्म की आस्था का मामला है तो उस पर गुस्सा सभी को आएगा। नौशाद गिरफ्तार हो चुका था लेकिन इसकी हरकतों ने मेरठ में कैटरिंग का काम करने वाले लोगों के बिजनेस पर बड़ा असर डाला। जिस दिन से वीडियो आया अभी कुछ ही दिन हुए होंगे, अगर हमारे यहाँ 12 लोग यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आए हैं तो उनमें से 8 लोगों ने जाकर के हमारी रसोई का मुआयना करा, जहाँ पर खाना लगेगा उसका मुआयना करा और ये जाना कि हाँ भाई हमारे वीडियोज़ वहाँ पर वर्किंग है या नहीं है और उनको वॉच कौन कर रहा है। इतनी जागरूकता महज 3 से 4 दिनों के अंदर आ गई है। मेरठ का ये वायरल वीडियो देखकर लोग काफी अलर्ट हैं। ना सिर्फ मेहमान बल्कि मेजबान भी साफ सफाई को लेकर सतर्क हैं। लोग ऑर्डर देने से पहले तसल्ली लेने के लिए रिसॉर्ट के किचन तक भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कैमरे, यहाँ पर दिया हुआ है कैमरा ऊपर, आप देख सकते हैं। ये तीसरी आंख है जो सब मॉनिटर, हाँ ये सारी मॉनिटर करेगी। इसी प्रकार एक कैमरा सामने की तरफ दिया हुआ है जहाँ पर तंदूर सामने लगा हुआ है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उधर के कैमरे से। दोनों तरफ से इसको कवर करने का उद्देश्य यही है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो अनकवर्ड हो, इसलिए दोनों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं। और ये करीब हमारे यहाँ 20 साल पुराना है, तो जब ही हमने कैमरे की इंस्टॉलेशन जब ही की हुई हुई है। इसने तो सारे नान वालों को बदनाम कर दिया। इस तरह से मुझे भी घृणा हुई इस वीडियो को देखते हुए कि ये कृत्य कोई कर भी सकता है क्या। मेरठ में सड़क किनारे ठेला लगाकर छोले भटूरे बेचने वाले गरीब लोगों की रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ा है। राकेश के पास आए हैं उससे पूछने के लिए, क्योंकि इस वीडियो जो वायरल हुआ है मेरठ में उससे काफी लोग परेशान भी हैं और उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। काफी लंबे समय से राकेश यहाँ पर जो है अमृतसरी नान बनाते हैं, प्लेन नान बनाते हैं। राकेश अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, वो जो थूक कर नान बना रहा था शादी पार्टी। अच्छा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, गुस्सा आया आपको? अजी गुस्सा क्यों नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी ना बनता, हम भी तो देखो साफ सफाई से बनाते हैं अपना। एक तो कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं था, जो काम धंधा आ भी रहा है तो उन जैसे लोगों की वजह से वो काम धंधा भी जा रहा हमारा, है ना। तो अभी क्या है कि इसकी वजह से हमें बहुत सारे जो हमारे वो थे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो आने लगे हैं, कमेंट आने लगे हैं भैया ऐसा बंदा ना मत लाना कि जो इस तरह की हरकतें करता हो। ये सिर्फ मेरठ की एक शर्मनाक घटना नहीं है बल्कि इसने पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ने की कोशिश की है और ऐसी थूक वाली रोटी देश हित में नहीं है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।